हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट हंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट 60 प्लस मार्क्स इन गेट विद जस्ट 90 डेज प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी गेट एंड पीएसयू से रिलेटेड हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। दोस्तों, गेट एग्जाम को आने में अब 100 डेज से भी कम समय बचा है। ऐसे में हमारे माइंड में अलग अलग टाइप के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और इन थॉट्स को बढ़ाने का काम करते हैं हमारे आसपास रहने वाले नेगेटिव लोग। लेकिन यदि आप इन 90 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लो तो अपनी लाइफ के नेक्स्ट 50 इयर्स में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेट ही आपकी जिंदगी है, लेकिन गेट क्रैक करके आप वो सब अचीव कर सकते हो जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक न एक बार मेहनत करनी ही पड़ती है और ये आपके हाथ में है कि आप वो मेहनत अभी करना चाहते हैं जब आप में जोश है, या फिर तब करेंगे जब आप 40 या 50 साल के हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की डेट में गेट बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम हो गया है एंड नियरली 40% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होता है। इसलिए अगर आप 3 महीने तक रोज 10 घंटे भी खुद के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो तो इजीली 60-70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फ्रेंड्स, गेट प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है, इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो भी आप बस फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन सीख कर भी इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो और किसी पीएसयू या आईआईटी में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड से स्टार्ट करनी होगी। फ्रेंड्स, इन दोनों टॉपिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उन वीडियोस को आप ऊपर बने आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को आपको नेक्स्ट 1 महीने तक रोज 1 घंटा देना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बताई स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे तो इजीली इन टॉपिक्स में 30 में से 22-25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फ्रेंड्स, इनके अलावा आपको 3 मेजर टेक्निकल सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज 12-15 मार्क्स है एंड एटलीस्ट 2 माइनर टेक्निकल सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज 6-10 मार्क्स है भी प्रिपेयर करने होंगे। फ्रेंड्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर के नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप स्टैंडर्ड बुक से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फ्रेंड्स, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको इन 2 स्टेप्स में करनी है। फ्रेंड्स, पहले स्टेप में आपको उस सब्जेक्ट के नोट्स 2 दिन में ऊपर समझने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो अपने फ्रेंड्स से पूछो और अगर तब भी ना आए तो उस टॉपिक को छोड़ दो। फ्रेंड्स, अगले 3 दिन में आपको उस सब्जेक्ट के सारे लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फॉर्मूले देखने के लिए आप नोट्स रिफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह प्रिपरेशन करके आप 30 डेज के एंड तक 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आपको उसे हर दिन रिवाइज करना होगा और रिवाइज करने की बेस्ट टेक्निक है हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गेट एग्जाम तक कम से कम 5 बार सॉल्व कर लेना। फ्रेंड्स, 30 डेज की प्रिपरेशन के बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। फ्रेंड्स, मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज के बीच कंपैरिजन वाली वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप ऊपर बने आई आइकन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट 60 डेज तक आपको हर रोज एक टेस्ट लिखना है और उनमें आई हुई मिस्टेक्स को एक कॉपी में नोट करते रहना है एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से रिवीजन भी करते रहना है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सब बातें फॉलो कर दी तो दुनिया की कोई ताकत आपको AIR टॉप 200 लाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, हम लोग कई बार खुद को धोखा देना सीख जाते हैं कि यार एक दिन मजे कर लेते हैं, कल से पढ़ लेंगे। प्लीज खुद से झूठ बोलना बंद करो और बस एक स्लोगन याद रखो कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई एवरेज नहीं होता, हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बस जरूरत है खुद से सच बोलने की, खुद को किक देने की कि मुझे कुछ करना है। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आप में से एक की भी लाइफ में किक आ गई तो मैं समझूंगा कि मेरे मैसेज आप तक पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कि इससे किसी की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो पक्का शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, गेट से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए कमेंट कीजिए और गेट एंड पीएसयू की लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।